नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक होली स्पेशल डिश लेके आई हूँ जो कि होली के समय हर घर में आपको देखने को मिलता होगा। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं दही वड़ा की बात कर रही हूँ। वैसे भी होली में हम लोग तरह तरह के बहुत ऑयली चीज़ खा लेते हैं और ये जो दही वड़ा है हमारा बहुत अच्छा ही डाइजेशन का भी काम करता है। शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मेरा नाम रूपम और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। यहाँ पे मैं उड़द का दाल ली हूँ जिसको मैं 5 से 6 घंटा सोख करके पानी में रखी थी। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे हम। बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है इसे। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा दाल पिसा गया है दरदरा, और बहुत ही ये थिक है जैसा कि आप देख रहे होंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इसे थिक ही रखना है। मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी स्वाद के अकॉर्डिंग। बहुत लोग यहाँ पे किशमिश और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन और अब इसे अच्छी तरह से 5 से 7 ये घुल तैयार हुआ है ना नहीं इसे चेक करने के लिए हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे। अगर वो ऊपर की तरफ छलाने लगेगा, मतलब तैरता हुआ पूरा हल्का हो जाएगा वो, तो समझ जाइए कि आपका घोल रेडी हो गया है। ये देखिए नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर में ही तैर रहा है। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब हम यहाँ पे छानेंगे। थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे ताकि हमारा जो घोल है हाथ में चिपकेगा नहीं और आसानी से हम इसे कढ़ाई में डाल सकते हैं। अब एक एक करके देखिए हम कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पे मैं अब डाल दी हूँ सारा। अब हम धीरे धीरे नीचे से थोड़ा हिलाऊंगी ताकि ये नीचे से हमारा कढ़ाई में सटे नहीं। अब जैसे ही हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा नीचे से तो हम दूसरे तरफ इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ इसे छानेंगे। ये देखिए वन साइड हमारा पक गया है, दूसरी साइड अब हम पलट दिए हैं। अब इसे हम अच्छे तरह दूसरे साइड भी पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, नॉर्मल गोल्डन ब्राउन पकाएंगे इसे हम। यहाँ पे मेरा वड़ा दोनों साइड से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए इधर मैं गुनगुना पानी रखी हूँ, ये मैं गुनगुना कर ली हूँ, और निकालने के बाद इसे हमें उस गुनगुने पानी में डाल देना है। इससे हमारे जो वड़े होंगे वो ज़्यादा ही नरम बनेंगे। और 2 से 3 मिनट तक बस गुनगुने पानी में रखना है, फिर उसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए बस 2 से 3 मिनट तक इसमें रखना है। और इसी तरह मैं सारे वड़े को छान लूंगी और इसी तरह पानी में डाल डाल के मैं निकाल लूंगी। मैं यहाँ बताना भूल गई थी आप लोगों को, यहाँ पे पानी से वड़ा को निकाल के आप दही में डाल दीजिएगा जिससे कि दही अच्छे से ये वड़ा दही को एब्जॉर्ब कर लेगा और टेस्ट भी अच्छा निकलेगा।
अब यहाँ दही को हम अच्छे से फेट लेंगे, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और फिर इसे हम परोसेंगे। यहाँ पे हमारा वड़ा तैयार हो गया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम सब में दही डालेंगे अच्छी तरह से, पूरा दही हमें डालना है, पूरा नहला देना है इसे अच्छी तरह से। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, और साथ में रेड चिल्ली से हम इसे गार्निशिंग करेंगे तो हल्का तीखा तीखा भी फ्लेवर आएगा और अच्छा भी लगेगा खाने में। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे वड़े तैयार हो गए हैं, कितना सुंदर दिख रहा है, आप लोग भी इसे जरूर घर पे ट्राई करिएगा। और वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। आप लोगों से विनम्र गुजारिश है कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।